अच्छा ओम शांति। कक्षा दसवीं, कल सभी विद्यार्थी तैयार हैं देखने के लिए, अटेंड हिंदी अटेंड करने के लिए सब तैयार हैं। कल भी हो गया था लेकिन तकनीकी खराबी के कारण रिले नहीं हो पाया। तो पुनः उसी को चालू करते हैं, ठीक है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक किसने लिखा है? डॉक्टर श्री राम परिहार ने। तो पाठ चालू करने के पहले सभी विद्यार्थी दो मिनट अपने इष्ट को ख्याल करेंगे मन से। कल शायद लिखक परिचय तो नहीं हुआ था, लेखक परिचय देखेंगे। परिहार जी का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के फिफरिया गांव में सन 1952 में हुआ। शिक्षा में आपने पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की है। आप प्राचार्य माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा में पुस्तक छपा उस समय कार्यरत थे, अभी है कि नहीं क्या है। राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्राब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान जो है ख्याल रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सारस्वत सम्मान पहला ज्ञात सम्मान, राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्राब्दी सम्मान, दूसरा सारस्वत सम्मान, तीसरा हिमालय कला एवं साहित्य इत्यादि, ये तीन है। इस प्रकार के अनेक सम्मान से आपको सम्मानित भी किया गया है, ख्याल रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। प्रमुख रचनाएं में आँच अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, ध्रुव का अवसाद, बजे तो बंशी, गुजे तो शंख, ठिठले पल पंखुरी, रसवंती बोलो तो, झड़ते फूल हर श्रृंगार के, हंसा कहो पुरातन बात, बोली का इतिहास, मैं के बीच भरोसा, चौकस रहना है, कहे जग श्रृंगार, रचनात्मकता और उत्तर परंपरा, संस्कृति सलीला नर्मदा, निमाड़ी साहित्य का इतिहास, परंपरा का पुराख्यान, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। दो तीन बार चार बार विद्यार्थी पढ़ करके रखेंगे, निश्चित रूप से श्रोता आ जाएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा, तो कुछ भी पूछा जाए जन्म संबंध ख्याल रखिए, कहाँ किस प्रांत में जगह विशेष का हिंदी में किस सम्मान से सम्मानित किया गया, इनको भी ख्याल रखिए। मोटा मोटा बहुत बारीक से तैयार नहीं करना है, मोटा मोटा लेकिन जानना है, एकदम मतलब नहीं के बराबर आपको नहीं होना है, जरूर कुछ न कुछ जानना है, ठीक है। पहले बारीक से पूछा जाता था, जीवन परिचय, जन्म संबंध, मृत्यु संबंध है, रचनाएं पूछा जाता था, काव्यगत या साहित्यगत विशेषताएं पूछे जाते थे, साहित्य में स्थान पूछा जाता था, अब वैसी नहीं है, हट गया है, लेकिन जानना जरूरी है। आगे अमरकंटक की यात्रा अवश्य चलते हैं विद्यार्थी, कक्षा दसवीं वाले, ठीक है।
मन से जा रहे हैं, आप स्थूल शरीर से नहीं मन से यात्रा करेंगे। कहा कि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक की यात्रा पर डॉक्टर श्री राम परिहार जी आपको ले जा रहे हैं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सब जाएंगे, अच्छी बात है। अरे ये बात है, कशा लागे ने फिटकरी रंग चोखा, पांच पैसे आपको खर्चा नहीं, आप अमर नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पहुंच जाएंगे। तो कौन नहीं जाएगा, सभी जाएंगे। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की सारस्वत यात्रा का शो योग्य बना। लेखक महोदय कहते हैं अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार अषाढ़स्य प्रसन्न दिवसी के पूर्व दो दिन का आयोजन यहाँ था। अषाढ़ के पहले दिन अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की सारस्वत यात्रा का शो योग्य बना। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार अषाढ़स्य प्रसन्न दिवसी के दो दिन पूर्व का आयोजन यहाँ था। दो दिन अषाढ़ के पहले के दो दिन पूर्व यहाँ जाना हुआ। आकाश में घिर घिर कर झर रहे थे, जैसे अभी बारिश हो रही है, सब जान रहे हैं विद्यार्थी। प्रकृति नहा रही थी, वनस्पति की आंखों में सपने जाग रहे थे। गर्मी के दिनों में वनस्पतियां अलसाई रहती हैं, मुरझाई हुई रहती हैं। अभी आंखों में सपने जाग रहे हैं प्रकृति के, वनस्पति के, प्रकृति के। आम्र वनों की कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था, आवाज सुनाई दे रहा था। वह स्वर जड़ चेतन में नेह छे की बूंद बूंद भर रहा था। इन बूंदों के उषों में रस रस अमरकंटक को देखना निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। बहुत ही सुंदर बेला थी, इस बेला में देखना अमरकंटक को बहुत ही आनंददायक था। प्रकृति के उषों में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुतम इकाई के अर्थ खोजना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुतम इकाई के अर्थ खोजना है कि मैं कहाँ हूँ। इस पृथ्वी के महामंच पर अपने इकाई का अस्तित्व को ढूंढना है। कवि महोदय का भाव, हम लोग सुबह सुबह पिंडर रोड पहुंचे, बिलासपुर से जाती है, बिलासपुर से एक पिंडरा गोरेला तरफ जाती है ट्रेन कटनी साइड, एक दूसरे तरफ रायपुर नागपुर साइड जाती है। तो जो गए होंगे जानते हैं, हम लोग सुबह सुबह पिंडर रोड पहुंचे। मेरा मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृत विभाग के विद्वान प्राध्यापक भी इत्तेफाक से यहाँ मिल गए। पहले से उनका यहाँ आने का हमको भी पता नहीं था, उनको भी हमारे जाने का वो उनको पता नहीं था। अचानक वहां मिल गए, यहां मिल गए, जो इसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे, वो भी इसी आयोजन में यात्रा के लिए जा रहे थे। पानी बरस रहा था, हम पिंडर रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। पिंडर रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है, जो नहीं गए हैं जान लीजिए। अभी भी वहां भले पूरा सफा नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी वन है। पेंडा रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। आरण्यक संसार में बरसते पानी से गुजरना अच्छा लग रहा था। उस जंगल से पानी बरसते भी हम लोग गुजर रहे थे, बहुत ही आनंददायक था। कहने का मतलब, और लेखक महोदय कभी ऐसी यात्रा नहीं किए थे, पानी गिरते हुए जंगल से गुजरना उनको पहला अनुभव था। बादल शरे के ऊंची ऊंची पेड़ों की फुनगियों पर रुकते, बात करते, पानी जोर जोर से बरस रहे, मतलब उसको बात करना बोल रहे, बतरस से अरण्या वाली को आदर करते और आगे बढ़ जाते। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत दूर से दिखाई देने लगता है। पहाड़ का शिखर माने चोटी,
विंध्य और सतपुड़ा का यह समवेत विग्रह बड़ा सुदर्शन और मनोहारी है, बड़ा ही मनोहारी, मन को आनंद करने वाला है, इसे मेकल कहते हैं। अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे विद्यार्थी, मेकल पर्वत की ही दाई भुजा विंध्याचल और बाई सतपुड़ा है। पूछा जा सकता है परीक्षा में, मेकल पर्वत की दाई भुजा क्या है? विंध्याचल और बाई सतपुड़ा है। इन दोनों पर्वतों के बीच, दाई भुजा विंध्याचल पर्वत और बाई सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा निनादित और प्रवाहित है। इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी आंजुरी से नर्मदा का जल लहर लहर है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला है, चारों दिशाओं का नाम जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यह पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला है, यह अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृति से परिपूर्ण दिए हुए है। यह अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकता, मतलब प्रकृति से परिपूर्ण दिए हुए हैं, मतलब लबालब भरा हुआ है प्रकृति से परिपूर्ण। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। रजत मने कौन से रंग का? सफेद। कि रजत धार आकाश से झर रही है, चारों तरफ हरा भरा वनस्पतिक संसार है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समुद्र समृद्ध है, ऊपर आसमान में बादलों की छिया छिछोली और धमा चौकड़ी मची है, ऊपर में जैसे आज छीन में पानी गिर रहा है, छीन में आकाश से पानी के बादल छट जा रहे हैं, धूप निकल जा रहे हैं, इस तरह से छिया छितौरी और धमा चौकड़ी मची है, बादल आश असमान ही बरस रहा है, कभी कम कभी ज्यादा कभी नहीं, और एक मोटी जलधार ऊपर से नीचे गिरते दिखाई दे तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी है। यह धारा शून की है, पतली धारा जो धरती की ओर मतलब नीचे गिरती दिखाई दे रही है। कौन सी धारा है? शून की। यह धारा शून की है, यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है जो पेंडा रोड से आते समय दिखाई देता है। शहडोल या जबलपुर डिंडोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिम भाग के प्राकृतिक संसार को देखने का सुख मिलता है। शोन नद है, शोन मुड़ा से निकलकर यह पूर्व में चला जाता है, गंगा की सभी सहायक नदियों से आगे जाकर यह गंगा में मिलता है। शोन के जल के द्वारा अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य को और पूर्व के समुद्र को देता है। नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह अपनी अग्रांजलि पश्चिम के समुद्र को देता है। शोन के जल के द्वारा अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य को और पूरे को समुद्र को देता है। नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से अपनी जलांजलि पश्चिम के समुद्र को देता है। दोनों ही दशा में और दिशा में इसके आसपास की जमीन नम होती है, नम मन गीली। यह जमीन का गीलापन कई कई जीवन की धड़कनों को पानी के रंग दे रहा है। परिहार जी कहते हैं कि कितनी आड़ी तिरछी सड़क से चलते हुए अमरकंटक पहुंचे। सोन की यह झार इस मार्ग के हर कोण से दिखाई देती है। आंख शरय के पेड़ों की गाढ़ी हरियाली पर अटकती है, वन की सघनता पर आश्वस्त होती है, फिर सोन के सम्मोहन में फंस जाती है। इतना मनोहारी था सोन,
लंबा घाट चढ़ने पर हम अचानक स्वयं को अमरकंटक के एकदम सानिध्य माने निकट में पाते हैं। सोन आंखों से ओझल हो जाता है, दिखाई नहीं दे रहा है, बारिश रुक गई है। अमरकंटक की समतल और रक्ताम्र छवि से रूबरू मतलब आमने सामने होते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बिल्कुल छोटी नदी को पतली धार के रूप में छोटे से पुल द्वारा पार करते हैं, ये कौन से अलंकार होगा? छोटी छोटी बार में पुनरुक्ति अलंकार है, छोटी छोटी के बाद बार बार प्रयोग हुए। निगाह किनारे लगी बोर्ड पर अटक जाती है, लिखा है नर्मदा। इतनी छोटी इतनी पतली, यहां बहते हुए इसलिए दिख रही है कि बरसात का मौसम है। अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने आता है। कुछ मकान है, मंदिर है, संतों के आश्रम है, कार्यालय है, निर्माणाधीन जैन मंदिर है, जनजीवन है, मतलब लोग बाग रची बसे हैं, वनवासियों का निर्द्वंद जीवन है बिना द्वंद के। टोकनियों में जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बैठी हैं, पक्के आम के ढेर हैं, एक अजब शांति है। कुछ मिठाई की चाय की दुकानें हैं, नारियल प्रसाद माला कंठी की कई दुकानें हैं। लोग गरीब हैं, नर्मदा उन्हें संभालेंगे। अमर के कंठ से निकसती जलधार के किनारे भयानक समय में बेखबर होकर जी रहे हैं। अमर के कंठ से निकसती जलधार के किनारे भयानक समय में बेखबर होकर ये जी रहे हैं। बस स्टैंड से पूर्व में दुकानों की गली से चलते हुए आगे जाने पर एक जलकुंड है, यह नर्मदा का उद्गम स्थल है। कुंड 11 कोणी है, स्वच्छ और शीतल जल लहरा रहा है। कुंड के चारों ओर आसपास 20 मंदिर बने हुए हैं। कुंड पक्का बना है, कुंड विशाल है, कुंड के चारों ओर पक्की समतल जगह बना दी गई है। मुख्य द्वार भी विशाल है। कुंड के आसपास बने मंदिर मझौले आकार के हैं। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें शिव प्रतिष्ठित है। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है, या कुछ ही नर्मदा का या कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है। जल शिव के कंठ से निकलकर कुंड में एकत्रित होता रहता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर 5-6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिल धारा के पास प्रकट होती है, दिखाई देता है। कहने के मतलब अंदर ही अंदर बहती है नर्मदा, वो कपिल धारा के पास दिखाई पड़ता है नर्मदा। नर्मदा कुंड में डुबकी लगाकर तन मन का ताप शमन करने का पुण्य लिया जा सकता है। मंदिरों में पूजन अर्चन आरती वंदन वैसा ही है जैसे प्राय नर्मदा तट के अन्य नदियों में मंदिरों में होता है, वैसे ही यहां भी है। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक और दिव्य जन्म स्थली होने का गौरव देता है। यहां से रेवा आ समुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। रेवा मन में शोण के विरह का ताप लिए पश्चिम की ओर बह निकलती है। उसकी गति में ताप है। रेवा क्या है? नदी विशेष का नाम है। नर्मदा नदी विशेष का, सोन नर्मदा, सोन भी नदी विशेष का नाम है, वैसे रेवा। रेवा मन में सोन के विरह का, सोन माने सोन नदी का, विरह का ताप लिए पश्चिम की ओर बह निकलती है। उसकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता है। एक लोक कथा है सोन और नर्मदा की प्रणय कथा। जुहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। नर्मदा जुहिला को दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है।
जोहिला शोण के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। वह नर्मदा का रूप लेकर शोण का वरण कर लेती है। यह बात नर्मदा को पता चलती है तो वह मारी क्रोध के उल्टे पांव पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है, अर्थात वहीं से नर्मदा पश्चिम की ओर वेग गति से बहती है, चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती, उत्ताल तरंगों से रव करती, रोमनी आवाज करती, वह बहती ही चली जाती है, पीछे मुड़कर फिर नहीं देखती है। उधर शोण को इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विराट संतप्त होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलंग लगा लेता है। पूर्व की ओर वीरा विधुर मल लिए वह बाहर निकलता है, बहता ही चला जाता है। कुछ दूर जाकर जोहिला उसे मना लेती है, उसमें मिल जाती है, उसमें समा जाती है, लेकिन नर्मदा और शोण दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बाहर निकलते हैं। सुरत आ जाएगा, ख्याल आ जाएगा, धरती की करुणा विगलित होकर नर्मदा और शोण के स्वरूप में अजस्र बह रही है, अविरल रूप से बह रही है। ठीक है, बाकी तो आज सवेरे के क्लास में पढ़ा चुके थे, विद्यार्थी अटेंड किए होंगे, नहीं किए होंगे तो अटेंड करना। अब आप लोगों का क्लास यही समापन करते हैं, तो तनिक परमात्मा को छुड़ता के मन से और सभी विद्यार्थी प्रश्नोत्तर करेंगे। बार बार निवेदन है, अपने कॉपी में बताएंगे, नोटिशन बताएंगे, मंजूर है? व्याख्या भी आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और बताते जाएंगे, मोबाइल में ही बताएंगे, मौका मिलेगा तो हम घर जाकर के भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन मोबाइल में बताना जरूरी है। अच्छा।